सामने एलकेजी का सिलेबस लेकर आई हूँ जो इसी सेशन का है 2021 टू 2022। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। बच्चों को हिंदी सिलेबस में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? अ से अंगे तक स्वर, उसके बाद क से ज्ञानी तक व्यंजन सिखाए जाते हैं, उसके बाद खालिस्तान भरो सिखाए जाते हैं, फिर मिलान करो सिखाए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अ लिखा हुआ है, उसके बाद खालिस्तान दिया है, फिर ई से इमली लिखी है, फिर खालिस्तान दिया है, तो अ के बाद क्या आएगा? बच्चा वो लिखेगा छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। उसके बाद बच्चों को इस तरीके से मिलान कराए जाते हैं। जैसे अ का अक्षर मिलाएगा वो अ से ही मिलाएगा, ई से इमली ई से मिलाएगा, च से चम्मच और ऐसे ही छ से छाता। तो इस तरीके से बच्चों को मिलान कराना सिखाया जाता है। उसके बाद आता है चित्र देखकर अक्षर लिखो। चित्र देखकर अक्षर लिखो में हम क्या कराते हैं? जैसे यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाए हुए हैं आपको समझाने के लिए। मैंने किसकी पिक्चर बनाई हुई है, चित्र किसका बनाया है? कमल का। तो क से कमल, तो बच्चा यहाँ पे क लिख देगा। और ऐसे यहाँ पे छाता की पिक्चर बनाई हुई है, तो यहाँ पर छाता लिख देगा। तो बच्चों को इस तरह से कराए जाते हैं। उसके बाद आता है इमला। बच्चों को जब अक्षर में अ से अंगे तक बच्चा लर्न कर लेगा और क से ज्ञानी तक लर्न कर लेगा, उसके बाद बच्चों को इमला कराई जाती है, जिससे कि बच्चा जो है अक्षर जो है वो पहचानना सीख जाए। उसके बाद आता है दो अक्षरों वाले शब्द लिखो। दो अक्षरों वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे जल, कल, हल, फल, पल, इस तरीके से हम करा सकते हैं। उसके बाद आता है तीन अक्षरों वाले शब्द लिखो। तीन अक्षरों वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? महल, पहल, कमल, भवन और पवन। तो हिंदी के सिलेबस में एलकेजी के में इस तरीके से ही बच्चों को तैयारी कराई जाती है। नेक्स्ट आता है इंग्लिश सब्जेक्ट। सबसे पहले बच्चों को जो नर्सरी में सिखाया जाता है वही रिवीजन कराया जाता है, जैसे ट्रेसिंग द लाइन्स, जिसमें मैंने आपको नर्सरी के सिलेबस में भी बताया था, स्टैंडिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स और कर्व लाइन्स। स्लैंटिंग लाइन्स और कर्व लाइन्स कौन कौन सी हो सकती हैं? लेफ्ट और राइट। उसके बाद बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं ए टू जेड तक। पहले कैपिटल लेटर सिखाए जाते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने डॉट्स बनाए हुए हैं, तो बच्चों को स्लैंटिंग लाइन्स और स्लीपिंग लाइन्स इस तरह से जब आ जाएंगी तो बच्चा अल्फ़ाबेट्स आसानी से सीख सकता है। तो इस तरीके से बच्चे को ये चीज़ें करानी होंगी, इस तरीके से। उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड, स्मॉल लेटर्स, उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर और बिटवीन। स्मॉल लेटर्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ए बी सी डी, और व्हाट कम्स आफ्टर, आफ्टर में क्या कराया जाता है? जैसे बी लिखा हुआ है, तो बी के बाद क्या आएगा? सी। ई के बाद क्या आएगा? एफ। ऐसे ही व्हाट कम्स बिफोर, जी से पहले क्या आएगा? एफ। के से पहले क्या आएगा? जे। इस तरीके से बच्चों को सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है व्हाट कम्स बिटवीन, जैसे मैंने अभी बताया, तो आई, फिर यहाँ पे डैश बना हुआ है, यहाँ पे के लिखा हुआ है, तो आई जे और फिर के। ऐसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है ओ पी क्यू, तो ये बिटवीन वाले हो गए। इसमें भी बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें फोनिक साउंड्स एंड सॉरी नेक्स्ट आता है वोवेल एंड कंसोनेंट्स। बच्चों को पहले वोवेल्स के बारे में बताते हैं कि वोवेल्स कितने टाइप्स के होते हैं। फाइव टाइप्स के होते हैं वोवेल्स, ए ई आई ओ यू। उसके बाद कंसोनेंट्स बताए जाते हैं। कंसोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ये फाइव लेटर्स को छोड़ के बाकी के जितने भी लेटर्स होते हैं वो हमारे सारे कंसोनेंट्स होते हैं। जिस वोवेल से कोई वर्ड बनता है, जैसे ओ से बना हुआ है यहाँ पे ऑरेंज, तो ऑरेंज का ओ आइडेंटिफाई कर लिया बच्चे ने कि वोवेल है, तो यहाँ पे हम क्या लेटर क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे।
और ऐसे ही दूसरी तरफ यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ए बॉल, तो बी आइडेंटिफाई किया ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो बच्चों को एन और ए का यूज़ पता चलता है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की मदद से। उसके बाद मैंने बताया था फोनिक साउंड। फोनिक साउंड का मतलब क्या होता है कि जो भी हम साउंड, जो भी हम वर्ड बोलते हैं उसकी साउंड क्या आ रही है। जैसे लेटर्स की, सबसे पहले बच्चों को लेटर्स की साउंड बताई जाती है, जैसे ए है तो ए की साउंड क्या होगी, ए, बी, ब, सी, क, डी, ड, एफ, फ, जी, ग, तो ऐसे ही सभी की साउंड जो होती है ए से लेके जेड तक कराई जाती है। मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया है। तो इसकी मदद से क्या है, बच्चे को वर्ड्स को बोलना, प्रोनाउंस करना आ जाता है कि किस तरीके से कोई भी वर्ड बोला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें यूज ऑफ दिस दैट, यूज ऑफ दीज दोस, और लास्ट वन इज राइमिंग वर्ड्स। ये और बता देती हूँ मैं, दिस और दैट कैसे यूज कर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टार बनाया हुआ है, स्टार की पिक्चर मैंने पास में बनाई है उसके, तो यहाँ पर क्या है, हम बच्चों को इस तरीके से बना के बताएंगे कि जो पिक्चर पास में होती है, ऑब्जेक्ट पास में होता है, उसके लिए हम दिस यूज करेंगे, दिस इज ए स्टार। यहाँ पे मैंने स्टार को थोड़ा दूर बना दिया है, तो उस तरीके से बच्चों को समझाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, दैट इज अ स्टार। ऐसी हम सेम चीज हम बच्चों को यहाँ पे भी सिखाएंगे, दीज और दोज में। दीज जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पे मैंने टू ट्रीज बनाए हैं, तो दीज आर ट्रीज, ये पास में है तो दीज लगेगा और दूर है तो दोज लगेगा, दोज आर ट्रीज। तो आप इस तरीके से पिक्चर्स बनाकर बच्चों को तैयारी करा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला था राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स में क्या होता है, जिसमें हमारी सेम साउंड आती है, कोई भी वर्ड है, जैसे बैट, मैट, कैट, हैट, तो इसकी जो हेल्प है राइमिंग वर्ड से बच्चों को प्रनाउंस करना आता है, और इसको जो है जैसे पोएम्स वगैरह में जो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी आते हैं कि इस लास्ट का जो वर्ड है, राइमिंग वर्ड क्या क्या हो सकता है। तो जब वो बच्चा सेम साउंड पहचानता है तो उसको राइमिंग वर्ड्स भी समझ में आ जाते हैं, जैसे जॉय, टॉय, बॉय, रॉय, सिट, किट, हिट, निट, तो इन सभी में सेम साउंड आ रही है, जैसे इस तरह से जो एग्जांपल दिया है मैंने, तो आप इस तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैथ्स की। सबसे पहले बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है 1 से लेकर 100 तक। उसके बाद बच्चों को फिलअप्स कराए जाते हैं, काउंट एंड राइट कराए जाते हैं। तो बच्चों को जब काउंटिंग आ जाती है तो काउंट एंड राइट किस तरह से कराए जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाई हुई है 1, 2, 3, तो यहाँ पे बच्चा 3 लिख देगा, 1, 2, 2 लिख देगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैचिंग लिखी हुई है मैंने, तो यहाँ पे बच्चा मैच कर देगा, 2 से 2 को मैच करेगा, 4 को 4 से करेगा, 6 को 6 से करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 7 लेटर नंबर लिखा हुआ है, तो 7 में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि 7 कौन कौन से सही हैं और कौन सा ऑड वन है। तो ये देखिए उल्टे डायरेक्शन में बना हुआ है, तो इसको सर्कल कर देगा, और यहाँ पे ऐसी 3 में 3 की ये डायरेक्शन गलत है, तो इसको सर्कल कर लेगा। तो इस तरीके से ऑड वंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैचिंग। मैचिंग भी सेम ऐसे ही होती हैं, जो मैंने आपको भी बता दिया है वैसे मैचिंग के बारे में। उसके बाद आता है नंबर नेम्स 1 to 20, बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न कराई जाती हैं। उसके बाद बैक काउंटिंग कराई जाती है, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन किस तरीके से कराए जाते हैं, जैसे यहाँ पे ये बिटवीन वाला लिखा हुआ है, 4 के बाद क्या आता है, 5, 6, 8 के बाद 9, देन 10, ऐसे ही आफ्टर में कराएंगे, 7 के बाद 8, 6, 7, यहाँ पे मैंने बिफोर वाला लिखा हुआ है, तो 3 से पहले क्या आता है, 2, 8 से पहले क्या आता है, 7, इस तरीके से आप करा सकते हैं।
नेक्स्ट आता है इसमें शेप्स आइडेंटिफिकेशन और लास्ट वन इज टेबल्स ऑफ 2 और 3। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हुई है शेप्स की, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल एंड हेक्सागॉन। तो इस तरीके से आप भी पिक्चर्स बनाकर बच्चों को आइडेंटिफिकेशन लर्न करा सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से पिक्चर्स के क्या क्या नेम्स होते हैं और उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करा सकते हैं। लास्ट में आप उसको टेबल्स 2 का टेबल और 3 का टेबल लर्न कराइए और लिखना भी बच्चों को आना चाहिए। उसके बाद आता है सब्जेक्ट GK, जिसमें ओरल और रिटन दोनों आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, बर्ड्स नेम, कलर्स नेम और हेल्पर्स नेम भी कराए जाते हैं। हेल्पर्स नेम में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर, टेलर, टीचर, पोस्टमैन। तो इस तरीके से आप उनको इनकी स्पेलिंग्स लर्न कराइए और नेम्स भी लर्न कराइए। उसके बाद आता है बॉडी पार्ट्स नेम। बॉडी पार्ट्स नेम में जैसे आईज, ईयर, नोज, इन सब की स्पेलिंग्स लर्न कराइए पूरे बॉडी पार्ट्स की। उसके बाद आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या क्या हो सकता है, जैसे किचन है, किचन में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं या कौन कौन से अप्लायंसेस होते हैं, तो वो आप पहले बच्चों को किचन में ले जाकर उन्हें कुछ एग्जांपल देके बता सकते हैं, जैसे यूटेंसिल्स हो गया, गैस सिलेंडर, ग्लास, प्लेट। तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं। उसके बाद आता है माई स्कूल। माई स्कूल में क्या क्या वोकैबुलरी हो सकती है, जैसे बेंच, क्लासरूम, गार्डन, ब्लैक बोर्ड। इस तरीके से ओवरऑल माई स्कूल के जितनी भी वोकैबुलरी हो सकती हैं वो सब आप बता सकते हैं, जैसे टीचर, स्टूडेंट, ये सब आ जाएगा। उसके बाद आता है माई क्लासरूम। क्लासरूम के एक पर्टिकुलर रूम के अंदर क्या क्या वोकैबुलरी हो सकते हैं, क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं, वो आप इसमें बता सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, बेंच, चेयर, इस तरीके से। उसके बाद आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी आप इस तरीके से वर्ड्स यूज़ करके बता सकते हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं हॉस्पिटल में, कौन कौन होता है, जैसे डॉक्टर, नर्स, पेशेंट, देन कंपाउंडर, और फिर उसके बाद बेड, और उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके भी नाम बता सकते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स। नेक्स्ट आता है इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स के एग्जांपल्स बता सकते हैं बच्चों को। इंडोर गेम्स में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कैरम, लूडो, चेस। ऐसे ही आपको आउटडोर गेम्स में भी बताने हैं, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो इस तरीके से बच्चों को आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लर्न करा सकते हैं। लास्ट वन इज EVS सब्जेक्ट। EVS सब्जेक्ट्स में कुछ चैप्टर्स कराए जाते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करा सकते हैं, और इसकी बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, जैसे माई सेल्फ में बच्चों को सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, उनको उनका नेम पता होना चाहिए, एज पता होनी चाहिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब उनको पता होना चाहिए। उसके बाद माई फैमिली में फैमिली के मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फादर कौन होते हैं, मदर कौन होती हैं, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इन सब का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए उनको। उसके बाद आता है माई स्कूल के बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कराए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब आ जाता है। ऐसे ही बच्चों को पीपल अराउंड अस चैप्टर कराया जाता है, सेफ्टी रूल्स कराए जाते हैं, प्लांट्स अराउंड अस कराया जाता है, और वाटर भी कराया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।